सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पूरा डिटेल में बात करने वाले अपन मोटुल 10W50 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल के बारे में। जो मोटुल की सीरीज आती है 7100, उस सीरीज के बारे में बात करनी है अपन। तो एट द टाइम मुझे कुछ 1200 रुपये का पड़ा था 1.5 लीटर का कैन, 1.5 लीटर्स अपनी बाइक में जाता है, 1.7 लीटर्स। तो बाकी 200 ml अपन ने बजाज से लिया था, तो ठीक है। लेकिन हाँ, अपन ने थोड़ा एडिटिव इस्तेमाल किया था उस समय, शायद वैक्सपोल का एडिटिव इस्तेमाल किया था अपन ने बाइक के अंदर। तो टोटल रिव्यू रहेगा कि मोटुल ने और वैक्सपोल ने अपने इंजन पे कैसा क्या इम्पैक्ट डाला, कैसा क्या काम किया उसने। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, बाइक को मैंने ज़्यादातर टूर में ही इस्तेमाल किया है, मतलब टूरिंग इन द सेंस की हाई स्पीड एंड हाई वे रन। तो सिटी के अंदर मैं बाइक को नहीं चलाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है बाइक को सिटी में चलाना। धीरे धीरे चलाओ, देन ब्रेक, देन क्लच, देन ब्रेक, देन क्लच, देन ब्रेक, देन क्लच। तो बाइक के बारे में बात करें तो बाइक काफ़ी अच्छी चल रही है। बाइक में जब मोटुल था, तो मोटुल की बात करें तो यार मतलब क्या ऑयल है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, नॉर्मली बस एक लाइन में जानना चाहते हो, तो मैं कहूँगा बेस्ट ऑयल है, बेस्ट। मोटुल से अच्छा ऑयल शायद नहीं है डोमिनार के लिए उस प्राइस रेंज के अंदर। सीधी सी बात है, प्राइस रेंज मैटर करती है। तो अगर 1200 के अंदर आपको 1.5 लीटर का कैन मिल रहा है मोटुल का, तो वो शायद बेस्ट ऑयल है अपनी डोमिनार के लिए। मेरी डोमिनार ने मुझे क्या ही माइलेज निकाल के दिया था गाइस, क्या ही माइलेज निकाल के दिया था। लिटरली इस गाड़ी ने मेरा दिल छू लिया था जब इसका माइलेज निकला था। तो मोटुल ने पहली चीज, बजाज से जैसे मैं शिफ्ट हुआ, तो भाई क्या स्मूथ हो गई थी अपनी गाड़ी। साफ पता चल रहा था कि वाइब्रेशन कम हो गई है और बाइक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, काफ़ी अच्छे से। और हाईवे की बात करो तो चाहे 120 हो, चाहे 130 हो, चाहे 140 हो, अगर आप 140 में भी बाइक को चलाना चाहोगे ना कांस्टेंट, बिना रेस को धीरे किए एकदम 140 पे, बाइक को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं स्ट्रेस आएगा बाइक को। बाइक आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगी, क्या बताऊँ। वाइब्रेशन ना, वाइब्रेशन नहीं होते, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं जीरो वाइब्रेशन, लेकिन हाँ इतने नहीं होते। बजाज के ऑयल से जो वाइब्रेशन थे तो वो तो नेक्स्ट लेवल थे, लेकिन मोटुल ने ऐसा कमाल किया अपनी बाइक के ऊपर कि बिल्कुल गायब से हो गए वाइब्रेशन, तो मतलब ना के बराबर वाइब्रेशन दिखेंगे आपको इस अंदर। मुझे महसूस होते ही नहीं थे हैंडल बार पर, फुट पैक्स में थोड़े होते थे, लेकिन हाँ हैंडल बार पर बहुत कम महसूस होने लग गए थे मोटुल से। काफ़ी अच्छा ऑयल था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने उसको काफ़ी चलाया भी। लेकिन ये था कि उसकी डेट आ गई 3500 के आसपास, कुछ 3700 किलोमीटर बाइक, 4000 मान लो आप, तो है ना। तो 4000 किलोमीटर पे अपन ने मोटुल चेंज करवा दिया था और उसे स्विच हो गए थे अपन कैस्ट्रोल पे। तो मोटुल का तो देखो यार हाईवे परफॉर्मेंस शायद बेस्ट है, शायद बेस्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा मोटुल ने जब हाईवे पे परफॉर्म किया, और वो भी क्या परफॉर्मेंस थी मोटुल की, ना कोई स्ट्रेस, ना कुछ। बाइक बस पुल किए जा रही है, कोई स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा बाइक के अंदर। तो मोटुल काफ़ी अच्छा था। गियर शिफ्टिंग की बात करें तो देखो, गियर शिफ्टिंग में मैं ऐसा कहूँगा कि स्मूथ है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा देखने को मिली, एक प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं अपनी बाइक को सेकेंड गियर से फर्स्ट गियर में लेता था, तब गियर न्यूट्रल में जाके ब्लाइंड हो जाता था, मतलब ये गियर बताता ही नहीं था कौन सा गियर है, न्यूट्रल भी शो नहीं करता था, जीरो हो जाता था, मतलब गायब, कुछ ही नहीं, ब्लैंक एकदम। तो मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, शायद ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्योंकि बजाज की बाइक में सब में ये प्रॉब्लम होता ही है मेनली। अगर मोटर ऑयल का होता तो कुछ होता बात होती, लेकिन ठीक है बजाज की शायद इंजन में ऐसा कुछ है, बजाज शायद इंजन इतना रिफाइन नहीं कर पाती है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए पूरा 100% हर सिनेरियो में।
तो बाकी एट द एंड हाईवे परफॉर्मेंस शानदार, माइलेज तो भाई शायद सबसे ज़्यादा माइलेज निकाल के दिया है मुझे। क्या माइलेज निकाल के दिया था उस समय मेरी बाइक ने, 37 ट्रिप पे इसने मुझे 37 का माइलेज निकाला ऑन हाईवे। अप्रोक्स स्पीड थी 80 to 90 और बाइक चले जा रही थी। चलो तो सारे सिनेरियो कवर हो गए हैं, सारा बता दिया है। माइलेज तो भाई माइलेज किंग, बेस्ट रिकमेंडेशन मैं अपनी बाइक के लिए, मतलब मैंने टेस्ट किया है तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको कोई बेस्ट ऑयल चाहिए, बेस्ट ऑयल केवल एक ही है, मोटुल है शायद, तो वो डलाओ, बेस्ट माइलेज आएगा हाईवे पे। बाकी अब कैस्ट्रोल की बारी है, कैस्ट्रोल को चेक वैक करके बताता हूँ कि मैं कैस्ट्रोल कैसा परफॉर्म करता है। देखते हैं कि कैस्ट्रोल अच्छा निकलता है मोटुल से या सेम या फिर ऊपर नीचे। चलो फिर मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करो। मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अगर आप डोमिना राइडर हो या फिर कोई सी भी राइडर हो तो वीडियोस को प्यार दो अपना। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।